नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जिसका रिटर्न जो है काफ़ी बेहतरीन है इस साल में, और जो लॉन्ग टर्म है उसमें भी रिटर्न काफ़ी बेहतरीन है। और इस वीडियो में हम आपको जो टेक्निकल एनालिसिस है जिससे आप कैसे मतलब जज करेंगे कि यह लॉन्ग टर्म में के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स है, तो टेक्निकल एनालिसिस भी बताएंगे, तो फंडामेंटल एनालिसिस तो बताएंगे ही। फंडामेंटल एनालिसिस आपने कई बार देखा है, जो टेक्निकल एनालिसिस है एकदम सिंपल वे बताएंगे, सिंपल तरीका से बताएंगे। जो कॉम्प्लिकेटेड है वो ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड बता दिया बस आप इंप्रेस सिर्फ होते रहें, एकदम सिंपल वे जिसको आप यूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो शेयर है वो है HLE ग्लासकोट लिमिटेड, और काफी बेहतरीन शेयर है। अभी इसका प्राइस देख लीजिए 1556 रुपीज है, और ये जो गिरावट वाला मार्केट है, मार्केट आज काफी ज्यादा गिरा है, 2-2% गिरावट है, फिर भी इसमें 6% की तेजी है। आप यहाँ पर देख लीजिए 4 रुपीज ये अप है। और कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी यहां देख लीजिए वैल्यूएशन भी काफी कम है, मात्र 2000 करोड़ की कंपनी है, और यहां पर पी देख लीजिए 54 का है, डिविडेंड 45% है, डिविडेंड यील्ड मात्र 0.29 है, और अर्निंग पर शेयर 28 रुपीज है। तो ये था इसका, अगर इसका पी की बात करें 33 है, इंडस्ट्री के पी से अभी भी काफ़ी कम है। देख लीजिए यहाँ पर पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो अर्निंग पर शेयर है उसके तुलना में प्राइस अभी भी कम है। तो दोस्तों ये पी रेशियो आपको यही बताता है कौन सा स्टॉक चीप वैल्यू पे मिल रहा है, कौन सा स्टॉक आपको महंगे वैल्यू पे मिल रहा है। उसके बाद जो कॉर्पोरेट एक्शन है उसमें देखते हैं, कंपनी डिविडेंड देती है तो हर साल डिविडेंड पे कर रही है, बोनस कंपनी पे की है नहीं की है, फेस वैल्यू स्प्लिट हुआ है नहीं हुआ है, तो कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन नहीं हुआ है। तो कॉर्पोरेट एक्शन होगा तो शेयर का प्राइस कम हो जाएगा। उसके बाद जो आता है फाइनेंशियल रिजल्ट, रिजल्ट देखिएगा तो कंपनी का काफ़ी बेहतरीन है, कंपनी लगातार ग्रोथ की है, इसीलिए कंपनी के शेयर प्राइस में भी इतनी तेज मोमेंटम देखने मिल रही है। और ये इतना बेहतरीन रिटर्न दिया है, इतना बेहतरीन, अगर आप एक साल पहले भी इन्वेस्ट किए होते तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न प्राप्त होता, जो कि लॉन्ग टर्म चार्ट पे आपको हम दिखाएंगे। तो उससे पहले यहाँ पर रिजल्ट देख लीजिए, तो क्वार्टरली रिजल्ट देखेगा तो जून क्वार्टर काफ़ी प्रभावित हुआ है, मार्च क्वार्टर भी प्रभावित हुआ, नहीं तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हुआ था, रेवेन्यू भी लगातार इंक्रीज हो रहा था। अगर हम एनुअल रिजल्ट की बात करें तो एनुअल रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन देख सकते हैं, 4 करोड़ से कंपनी यहाँ 6 करोड़, 6 करोड़ से यहाँ 38 करोड़, जबकि थोड़ा बहुत प्रभावित रहा उसके बाद ये 38 करोड़ पहुंच चुका है, 4 करोड़ 3 करोड़ से यहाँ 38 करोड़ पर प्रॉफिट जा चुका है, 92 करोड़ से 387 करोड़ पर रेवेन्यू जा चुका है, जो कि शेयर के प्राइस में डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पर आप पिछले साल की तुलना में देखेंगे तो ये 4 गुना बढ़ा है जो रेवेन्यू, लेकिन जब इसका आप शेयर का प्राइस देखेंगे तो इससे कई गुना ज़्यादा बढ़ा है, मात्र 4 टाइम्स बढ़ा है, ये देख सकते हैं रेवेन्यू, लेकिन शेयर का प्राइस सिर्फ 4 टाइम्स ही नहीं, इसका भी 2 गुना कर दीजिए, 7-8 टाइम्स बढ़ा है शेयर का प्राइस, जो कि आपको हम चार्ट पर दिखाएंगे। तो ये पहले आप देख लीजिए और शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए, मतलब जो फंडामेंटल्स है कंपनी का काफ़ी बेहतरीन है, और टेक्निकल भी काफ़ी बेहतरीन है, मतलब हर रूप से ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग में जो सबसे पॉजिटिव बात देखने मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए आप 50% से डायरेक्ट 74%, 50 से डायरेक्ट 74, जब देख सकते हैं प्रमोटर्स ही इसमें अपना स्टेक जो 50% से बढ़ा रहा है, तो निश्चित है कि इन्वेस्टर भी अपना इसमें स्टेक बढ़ाएगा, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, तो काफी बेहतरीन शेयर है। उसके बाद आप इसका बैलेंस शीट देखेंगे तो वो भी काफी बेहतरीन है, बैलेंस शीट देखेंगे वो भी काफी बेहतरीन है, कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल है मात्र 13 करोड़ का, और वहीं रिजर्व जो कंपनी के पास वो है 63 करोड़ का। उसके बाद चलते हैं नीचे, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है कंपनी के ऊपर वो है 1.37 करोड़ का, जो कंपनी के ऊपर डेट है वो है 58 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, तो सारे पर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन दिख रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं हम जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, आप इसे ट्रेडिंग व्यू पर देख सकते हैं, चाहे investing.com पर देख सकते हैं, कहीं पर यूज़ कर सकते हैं, आप अपने ब्रोकर का ही यूज़ कीजिए, कोई खास लॉन्ग टर्म के लिए कुछ खास जो है हमारा यूज नहीं होता है ये प्लेटफॉर्म, तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये हमारा मंथली है, यहाँ पर देखते हैं मंथली, अगर आप लॉन्ग टर्म जैसे 2 इयर्स 3 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं किसी में, तो आपको जो टेक्निकल एनालिसिस करना होता है वो किस पे करना होता है, मंथली वाले चार्ट पर। यहाँ पर देखते हैं मंथली हमने टाइम इंटरवल लिया है, यहाँ पर देख लीजिए मंथली टाइम इंटरवल पर कभी भी ये अपना पिछला लो ब्रेक नहीं किया है। क्या देखना है, जो जैसे यहाँ से ये चला तो ये इसका लो हो गया,
यहाँ से चला तो यहाँ से फिर गया तो शेयर प्राइस तो डायरेक्ट ऊपर जाता नहीं रहेगा, ऊपर गया फिर वो नीचे आएगा। तो यहाँ पर जो इसमें गिरावट आया तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर ये जा चुका था 1000 के आसपास, वहाँ से गिरावट होकर के आ गया 436 रुपीज के आसपास। तो यहाँ जो गिरावट आया तो ये पिछला लो को ब्रेक नहीं किया, ये जो पीछे का लो था उसको ब्रेक नहीं, और ये जो गिरावट था पैंडमिक सिचुएशन के कारण था, जो कोरोना वायरस का सिचुएशन है। मतलब कोई भी बहाना चाहिए, मतलब कोई भी रीजन आया जिसके कारण इसमें गिरावट आया। तो ये जो गिरावट आया ये पिछले लो को ब्रेक नहीं किया। तो अगर आप इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग थे कि हम 5 साल 10 साल इसमें बने रहेंगे तो आप यहाँ पर इन्वेस्टेड रह सकते थे, क्योंकि ये पीछे के लो को ब्रेक नहीं किया मंथली चार्ट पर। अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्ट किया होता यहाँ पर तो उनको अपना स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए था। मतलब यहाँ पर ऊपर कोई इन्वेस्ट किया था तो उसे अपना स्टॉप लॉस लगा के रहना चाहिए। जैसे आपका स्टॉप लॉस हिट करता है तो आप एग्जिट हो जाइए। अब यहाँ पर गिरावट में आपके पास एक मौका था, यहाँ पर आप इन्वेस्ट किए, अब क्या करना चाहिए? तो जैसे इन्वेस्ट यहाँ के देखते हैं काफ़ी बड़ा रैली ये मंथली चार्ट पर दिखा चुका है, तो आपको अगर डर लगता है कि इसमें गिरावट आ सकता है तो आप इस कैंडल, ये जो कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल के लो के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो लॉन्ग टर्म होता है 2 इयर्स 5 इयर्स इसके लिए हम जो है यहाँ जो मंथली चार्ट पर ये काफ़ी बड़ा रैली दिखा चुका है, तो पिछला जो ये इसका लो है उसके जस्ट नीचे, इसके लो जो है इसके जस्ट नीचे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं कि कभी भी इसको ब्रेक करता तो आप एग्जिट हो जाएंगे। अगर अभी कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उन्हें क्या देखना चाहिए, या आप डेली चार्ट पर लगा करके आप यहां पर देख सकते हैं। डेली चार्ट जब आप लगाएंगे, यहां पर डेली हमने सेलेक्ट कर लिया, कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहां पर देखिएगा, ये जो इनका पिछला यहां पर लो था, यहां से जो यहां से ब्रेकआउट दिया है तो ये देख सकते हैं, ये पिछला यहां का लो है, यहां से ब्रेकआउट दिया है। तो अगर आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप या तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ये जो इसका यहाँ पर लो बन रहा है तो पीछे का, अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तब आपको इस ब्रेकआउट पर इन्वेस्ट किया है तो उसको अपना ये पिछला लो स्टॉप लॉस लगाया होगा तो वो अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए यहाँ पर ला सकते हैं। अभी यहाँ पर जो है यहाँ से ब्रेकआउट दिया, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप फिर करेक्शन का वेट कर सकते हैं कि मार्केट में जैसे 2 दिन लगातार जो है ग्लोबल मार्केट में करेक्शन आया है तो हो सकता है हमारे मार्केट में भी करेक्शन आए, तो आप इसमें वेट कर सकते हैं। अगर कोई जो है 1-2 महीना पीछे इन्वेस्ट किए हैं तो वो या तो वीकली चार्ट का यूज कर सकते हैं या तो डेली चार्ट का यूज कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस के लिए। वीकली चार्ट तब यूज करेंगे जैसे हमारा 5 मंथ 6 मंथ इन्वेस्टमेंट का हो चुका है, तो हम वीकली चार्ट का उपयोग कर सकते हैं कि वीकली चार्ट पर अगर अपने पिछले लो को ब्रेक करता है, जैसे आप यहां पर देखते हैं ये यहां पर जैसे ब्रेकआउट देता है तो इसका जो ये लो हो जाएगा, ये लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। कभी भी इसको ब्रेक करता है तो आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे अगर आप 5 मंथ 6 मंथ पहले इन्वेस्ट किए हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसे लॉन्ग टर्म कोई चीज़ नहीं होता है कि हम जैसे 5 इयर्स 10 इयर्स सोचते हैं, अगर 5-10 इयर्स वो स्टॉक परफॉर्म करेगा तभी तो इन्वेस्टेड रहेंगे। अगर वो परफॉर्म करता है तो निश्चित है कि वो आपके वीकली चार्ट मंथली चार्ट पर अपना लो जो है पीछे का ब्रेक नहीं करेगा। जैसे इसी स्टॉक को देख लीजिए, कभी भी आप देखिएगा तो ये जो पूरी तरह से बुलिश स्टॉक है ये कभी भी अपना पीछे का लो ब्रेक नहीं किया। आप कहीं पर भी देख लीजिए, जब से इसमें रैली पकड़ा है, यहाँ पर देखते हैं ये लो बनाया, फिर यहाँ से तेजी आया, फिर से इसमें करेक्शन आया, तो ये अपना पीछे का लो ब्रेक नहीं किया यहाँ का, तो कभी भी ये अपना पीछे का लो ब्रेक नहीं करेगा। जैसे यहाँ से आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से जो तेजी आएगा तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यहाँ का जो नीचे का यहाँ का जो लो बना है। इस तरह से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या कहें स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपना जो स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और उसमें ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम इसके बिजनेस को देखेंगे कि ये कंपनी बिजनेस क्या करती है, और लॉन्ग टर्म चार्ट पे आपने देख लिया, चार्ट काफ़ी बेहतरीन है, या साथ साथ आप अगर गूगल में सर्च करके वहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को आप यूज नहीं करते हैं चार्ट देखने के लिए तो आप मोबाइल में सिंपली यूज कर सकते हैं गूगल का, चलिए गूगल पर कैसे देखते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट। तो दोस्तों जैसे HLE ग्लासकॉट है तो इसके आगे आपको शेयर लगा देना है, शेयर लगा दीजिए या स्टॉक लिख दीजिए और गूगल में सर्च कर दीजिए, आपको ये आ जाएगा चार्ट। जैसे आता था आप 1 day 5 day 1 month 6 month ईयर टिल डेट 1 year 5 years का यूज कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि 1 year में ये काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, आप चार्ट देख करके बताइए कितना रिटर्न होगा। आप जैसा देख रहे हैं चार्ट के, चार्ट लगातार अपडेट में है, चार्ट पे लगेगा आपको कुछ खास रिटर्न नहीं दिया होगा, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए आप कितना रिटर्न बेहतरीन है, देख लीजिए 734%।
734%, मतलब आपका रुपया को ये 7 गुना से भी अधिक बना दिया है। समझ सकते हैं, आपका रुपया जो है वो 7 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। मतलब आपका रुपया अगर 1000 इन्वेस्ट किए होंगे तो वो 8000 बन चुका है, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए होंगे तो 8 लाख हो चुका है वो। इतना बेहतरीन रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। मैक्सिमम ईयर में देखिएगा तो काफ़ी बेहतरीन, अगर 2006 में कोई इन्वेस्ट किया होता तो अभी तक में देख लीजिए 17000% का रिटर्न दे चुका है। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, आपने चार्ट पर देख ही लिया, तो जब भी गिरावट मिले आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्ट करने के लिए आपको हमने पहले ही बताया, अभी कोई इन्वेस्ट करता है तो डेली चार्ट पर आप देखेंगे क्या वो बुलिश है या नहीं है। अगर कोई काफ़ी लंबे समय से इन्वेस्ट किया है या कहें 5 महीने से, तो वीकली चार्ट पर वो देखेंगे कि कब आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, किस प्राइस पर लगाना चाहिए, कब एग्जिट होनी चाहिए। अगर कोई पहले 2 साल पहले इन्वेस्ट किया है तो उसे मंथली चार्ट का प्रयोग करना है अपना स्टॉप लॉस लगाने के लिए। अब हम इसके बिजनेस को देखेंगे। ये सारे हम टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लिए, सिंपल है, एकदम सिंपल टेक्निकल एनालिसिस करना है आपको। जो स्विंग ट्रेडिंग होता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ये सब के लिए एकदम सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में मत जाइए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो आपको टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट है HLE ग्लासकोट का, कंपनी जो बनाती है, यहाँ पर देखते हैं ग्लास लाइट रिएक्टर स्टोरेज टैंक बनाती है, कंडेंसर्स बनाती है, कॉलम्स बनाती है, रोटरी वैक्यूम ड्रायर्स बनाती है, एगिटेटेड नॉच फिल्टर बनाती है, पाइप्स बनाती है, बल्ब्स बनाती है। एंड तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप चाहे तो इमेज पे, यहाँ पर इमेज पे क्लिक कीजिए, आप यहाँ पर सारे प्रोडक्ट इस कंपनी के देखते हैं। यहाँ पर देखते जाइए, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ये कंपनी बनाती है। तो देखते हैं HLE इंजीनियरिंग फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग, इंजीनियरिंग फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग। तो ये सारी कंपनियां हैं जो कि काफ़ी उद्योग धंधे में यूज होती है, ये सारे प्रोडक्ट जिसे ये कंपनी बनाती है। और काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, और इसके कई सारे मतलब कई सारी कंपनियां इसके जो कस्टमर्स हैं, जैसे आप अतुल लिमिटेड देख लीजिए, सनोफी देख लीजिए, उसी तरह BASF देख लीजिए, तो कई सारी केमिकल कंपनियाँ हैं वो ये इसके कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और एक बेहतरीन शेयर आपको मिला होगा जो जिसमें आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।